कैसे हो? अच्छा होना चाहिए भी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7C, ठीक है। 7C में है हमारे क्या है, जो हमारे डेसिमल है उनको ऐड करना सीखेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? ऐड करना सीखेंगे एक्सरसाइज 7C में। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग आपको सबसे पहले क्या है, 9.6, 14.8, 37.8, ये 37 ही है, आगे 5.9, ठीक है। अब जो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लाइक डेसिमल बनाने होते हैं। सबसे पहले क्या बनाने होते हैं? लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, सेम होती है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट देख, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे क्या, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं था, इसके लिए इसके पॉइंट की जगह क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर 0 लगा दिया डेसिमल के बाद, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 का 3 यहाँ पे आएगा, कैरी 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो कितना आंसर आएगा अपना, 67.3 ये आपका आंसर, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका 8.236 है, क्या है, 8.236 है। इसमें देखो ये क्या है, 16.063, आगे है 63.8 एंड 27.53, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 0 लगाऊंगा मैं, यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे एक 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी बस में सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल सबसे 6 और 4 0 और सॉरी 10 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16 कैरी 1 6 ऐसे कैसे, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 का कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, तो कितना बन गया मेरे पास, 115 डेसिमल 630 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करने आपको एक्सरसाइज 7C के 1 से 8 तक क्वेश्चन करने हैं आपको, बस सिंपली क्या करने, ऐड ही करने हैं, कर लोगे, ठीक है। बस 7C तक यही करने हैं आपके, यहाँ आगे 7D एक्सरसाइज 7D, 7D में, ठीक है। एक्सरसाइज 7D में क्या है, इसमें तो क्या कर रहे थे हम, ऐड कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका सब्ट्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 27, आपको क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आगे क्या है, 27.86 फ्रॉम 53.74, ठीक है, ये आपके पास। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें से फ्रॉम यानी कि ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, इस नंबर में से, यानी सबसे पहले क्या होता है, लार्जर नंबर ऊपर लिखते हैं, लार्जर नंबर कौन से, इसमें से 53 है ना, 53.74, इसमें से क्या माइनस करना है, 27.86, क्या करना, माइनस कर दो 4 और 6, ठीक है। कितना आएगा फिर, क्या से क्या लिया मैंने, क्या करूँगा, 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ से क्या मेरे पास 6 में से यानी कि 16 क्या लेंगे हम, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 2, या फिर कैरी ली हमने 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, माइनस करने के बाद 5, यहाँ फिर क्या बचा मेरा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 25.88 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। जैसे आपका है ये है थर्ड क्वेश्चन, देख लो आप थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 59.63 यानी कि पहले है 9, 2.4
में से क्या माइनस करना है 59.63। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या 1 डिजिट है। तो सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे, तो इसके लिए क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 0 बना दिया, यह कर दिया 92.40 959.63 माइनस कर दो। अब माइनस कर दो 10 से 3 गया 7, यहाँ पे चला 3, 13 से 6 गया 7, यहाँ बच गया 1, 11 से 9 गया 2, यहाँ बच गया कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 32.77 आपका आंसर। ठीक है, जैसे आपका है लास्ट पार्ट देखते हैं, आपका है 3.4 है और 0.612 ये है, माइनस करना। ठीक है, क्या करना माइनस, सबसे पहले लाइक डेसिमल, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे हमें, 0 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, और फिर क्या है कैरी लेगी मैंने, यहाँ से क्या बनेगा 10 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचेगा 2 2 में से 0 गए 2, तो आपका आंसर 2.788 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको एक्सरसाइज 70 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 70 में आपके 8 क्वेश्चन हैं और 70 में आपके 10 क्वेश्चन हैं, ये 8 और 10 18 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, कर लोगे, प्लस और माइनस ही है, बस डेसिमल में है, आसान है, इजी है, कर सकते हैं आप। आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आपके सिलेबस में इतना ही किया था मैंने। ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।